दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हेडनेक हॉस्पिटल ऑपोजिट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए जिला हमीरपुर में भी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक से वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, भारत सरकार द्वारा कुछ समय पहले ही नोटिफिकेशन जारी करी गई है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रतिबंध जो है वो लगने वाले हैं। और हिमाचल की परिस्थिति में अगर मैं कहूँ तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे पहले ही जो है हिमाचल ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे ऐसे आइटम्स हैं जो जिसके बारे में अतिरिक्त जानकारी होना ज़रूरी है कि जिनके प्रतिबंध जो है वो इस दिशा निर्देशों में इंक्लूडेड रहेंगे। जैसे कि हमें कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं पर हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं या उनके ऊपर प्रतिबंध स्पेशली नहीं पहले से था, जैसे कि हमारे ईयरबड्स होते हैं कई सारे ऐसे जिसमें प्लास्टिक की स्टिक्स यूज़ होती हैं वो भी प्रोहिबिटेड रहेंगी। फिर इसके बाद बलून्स होती हैं उसको भी कई बार होल्डर्स जो हैं वो प्लास्टिक के स्टिक्स के ऊपर बनाई जाती हैं, या फ्लैग्स होती हैं जो प्लास्टिक की होती हैं, या कैंडी होती है जैसे कोई चॉकलेट हो गया या किसी तरह की मीठा बच्चों के खाने का जो सामान होता है उसकी स्टिक्स होती हैं कई बार प्लास्टिक की, आइसक्रीम की प्लास्टिक की स्टिक्स होती हैं, या थर्मोकोल टाइप जिसको बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन उसके जो डेकोरेशंस होते हैं उसके कप प्लेट होते हैं उस तरह की चीज़ें, उसके अलावा प्लास्टिक के फोर्क नाइफ, इस तरह के स्ट्रॉ ट्रे, रैपिंग पेपर, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो भी एडिशनली ऐसे आइटम्स हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के अंतर्गत जो है वो कवर होते हैं। तो इसी कारण से इसके बारे में हम पहले से ही जानकारी हमने अभी से ही साझा करना इसलिए शुरू किए हैं ताकि बाद में जब ये बैन लागू हो जाए तो लोगों को कम से कम इसके बारे में जो है इनकन्वीनियंस हो। ये जाहिर सी बात है कि हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर कि ये जब हमारे पास हम कभी भी चाहे आज हो कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद इस तरह का अगर रोक हमारे हमें लगानी होती है तो हमें अपने लाइफस्टाइल में एक माइंडसेट में भी बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभी से ही जागरूकता इस बारे में देने की कोशिश की जा रही है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि ये जो स्टेप्स हैं इस तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन करने के लिए ये हमारे इकोलॉजी, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम सभी को जो भी हम प्रदूषण हमारे इस तरह के कार्यों से या इस तरह के यूजेज से फैलता है वो कहीं ना कहीं हेल्थ हैजर्ड के रूप में हम ही को वापस आता है, हम ही को वापस जो है इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है कहीं ना कहीं हम उसको देखते हैं, उसको झेलते हैं, पर कई बार हम कोरिलेट नहीं कर पाते कि हमारे किस दिनचर्या के किस तरह की कार्य किस तरह के प्रदूषण के कारण ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारी ऐसी एक व्यापक एक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के दिशा में कार्य है जिसमें हम सभी को एक साथ पार्टनरशिप में भागीदारिता से इसको सुनिश्चित करना है कि ऐसी चीजें जो है हम यूज करना बंद करें। हिमाचल हेडनेक हॉस्पिटल, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल। यहाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं जैसे ENT क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, इसके अलावा यहाँ होती है सिर, गला और फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और सभी का उपचार मुनासिब दाम में किया जाता है। साथ ही हिम केयर और आयुष्मान कार्ड भी माने हैं ताकि आपको मिले बेहतर इलाज और आप जिए बेहतर जिंदगी। हमारा पता है हिमाचल हेडनेक सेंटर एट डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर नादौन चौक हमीरपुर।